हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक कॉम्पिटिटिव। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आरआरबी जेई एंड एसएसई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि ये है पार्ट टू। पार्ट वन में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए आज देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आया था जेई एंड एसएसई में। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रावायोलेट रेज आर प्रिफर्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर फॉर। ऑप्शन में दिया गया है डोमेस्टिक सप्लाई, फिशिंग पॉन्ड्स, स्विमिंग पूल्स एंड पेपर इंडस्ट्री। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर होगा ना वो है ऑप्शन नंबर सी, स्विमिंग पूल्स। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम किया जाता है कि स्विमिंग पूल के लिए कौन सी डिसइंफेक्शन मेथड इज प्रेफरेबल। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन में अल्ट्रावायलेट रेज रहता है एंड आंसर भी वो होता है। ठीक है, एंड अल्ट्रावायलेट रे एक्चुअली क्या है, ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एंड दिस एनर्जी डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ एंड एक्सेट्रा like that, and also it destroys the organic matter and eliminating the formation of dangerous chlorine byproduct. ठीक है, so option number C is right. The contour lines having different elevators can intersect only in case of, friends, कॉन्टूर से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनता है मैं पहले की सर्वेइंग लेक्चर्स में बहुत बार अच्छी तरह से डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप में से कोई भी वो सब वीडियोस नहीं देखा, मैं बोलूँगा जाके वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। एंड देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक्चुअली कॉन्टूर लाइन क्या होता है ना, ए लाइन ऑन ए मैप ज्वाइनिंग इक्वल हाइट एबव और बिलो द सी लेवल। ठीक है, एंड इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओवरहैंगिंग क्लिफ। आप ओवरहैंगिंग क्लिफ की एक फोटो भी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर दो कॉन्ट्रोल लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। फॉर नेशनल हाईवे द मैक्सिमम स्पीड इन माउंटेनियस ट्रेन। ओके, सो देखिए, जो नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे के लिए प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस एंड हिली में जो स्पीड आईआरसी ने रिकमेंडेड कर रखा है, आप सभी को याद रहना चाहिए, ओनली फॉर एनएच एंड एसएच के लिए। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन फ्रेम होता है। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है फॉर नेशनल हाईवे मैक्सिमम स्पीड इज माउंटेनियस ट्रेन। आप ये वाला फोटो से देख सकते हैं, माउंटेनियस टेरेन में जो नेशनल हाईवे की स्पीड है वो होता है 50 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सॉयल स्टेबिलाइजेशन पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर सॉयल स्टेबिलाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो जानना चाहिए सॉयल स्टेबिलाइजेशन एक्चुअली है क्या। देखिए, सॉयल स्टेबिलाइजेशन एक प्रोसेस है, इनमें क्या किया जाता है ना, वेरियस टाइप ऑफ ऑयल्स एंड केमिकल सॉयल के साथ मिक्सिंग किया जाता है फॉर इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ सॉयल। ठीक है, इनमें मेन टू मेथड्स होता है, एक होता है मैकेनिकल स्टेबिलाइजेशन और एक है केमिकल स्टेबिलाइजेशन। ठीक है, एंड फॉर द केमिकल स्टेबिलाइजेशन में क्या होता है ना, सीमेंट जैसे कि फ्लाई ऐश एंड लाइम बाय प्रोडक्ट्स, इन सभी को सॉयल के साथ मिक्सिंग किया जाता है फॉर इम्प्रूव इट्स स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, एंड चेंजेस द वॉल्यूम प्रॉपर्टीज लाइक स्वेलिंग। ठीक है, एंड जो सोडियम स्लीकेट ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी इज राइट है यार। सोडियम स्लीकेट ये आता है एक्चुअली केमिकल सेडिमेंटेशन में, ये क्या करता है ना, इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल्स और इवन रिलेटिवली नॉन प्लास्टिक सॉइल्स अंडर माइल्ड क्लाइमेट कंडीशंस। सो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट होगा। Which of the floor would you recommended for dairy plant? ठीक है, dairy plant में कौन सी टाइप की फ्लोर तुम recommended करना चाहते हो।
ऑप्शन ए एसफाल्ट फ्लोर, एसफाल्ट फ्लोर इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, एसफाल्ट फ्लोर के बारे में कुछ जान लेते हैं पहले। एसफाल्ट फ्लोर क्या होता है ना, वो डस्टलेस, इलास्टिक, ड्यूरेबल, वाटर प्रूफ, एसिड प्रूफ, अट्रैक्टिव अपियरेंस भी देता है एंड ऑल्सो नॉन स्लीपरी एंड नॉइजलेस होता है। ठीक है तो देखिए, एसफाल्ट फ्लोर क्यों किया जाता है डीआरई प्लांट में, क्योंकि ना पहली बात तो एसफाल्ट फ्लोर स्लिप रेजिस्टेंस एंड ट्रैक्शन होता है। ठीक है एंड इन केस ऑफ डीआरई प्लांट में क्या होता है, जहाँ पर मिल्क टैंकर अनलोडिंग किया जाता है, चिल्लर एंड स्टोरेज रूम, पास्टुराइजेशन जहाँ पर होता है एंड प्रोडक्शन रूम जहाँ पर है, वहाँ पर क्या होता है ना, ये सब प्लेसेस बहुत स्लीपी हो जाता है। तो फॉर स्लीप होने के कारण में बहुत कुछ एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। फॉर दिस रीजन टू काउंटर एक्ट द एक्सीडेंट, जो फ्लोर रहना चाहिए स्लीप रेजिस्टेंस रहना चाहिए, मतलब नॉन स्लीपर ही होना चाहिए, है ना। सो फॉर दिस रीजन एस्फाल्ट फ्लोर इज रिकमेंडेड हियर। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ए फ्लाईओवर सेग्रीगेट ट्रैफिक विद रेस्पेक्ट टू, ऑप्शन नंबर ए इज ग्रेड, बी स्पीड, सी इज क्लास ऑफ व्हीकल एंड डी इज डायरेक्शन। फ्रेंड यहाँ पर जो ऑप्शन है ए इज राइट आंसर, ग्रेड। देखिए फ्रेंड, जो फ्लाईओवर है इसमें बहुत बहुत टाइप के ट्रैफिक चलता है। ठीक है, जैसे कुछ छोटा है, कुछ बड़ा है, जिसका स्पीड लिमिट ज़्यादा है, कुछ का थोड़ा कम है, तो एक्चुअली क्या होता है ना, एक हेटरोजेनियस ट्रैफिक कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है सो फॉर दिस रीजन यहाँ पर क्या होता है ना, आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत सारे इंटरप्शन होता है। ठीक है फॉर दिस रीजन, फॉर फ्यूअर इंटरप्शन एंड ट्रैफिक मूवमेंट में किसी टाइप की प्रॉब्लम ना आए एंड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, हम लोग क्या करते हैं ना, फ्लाईओवर का जो सेग्रीगेट करते हैं ट्रैफिक की, इसको ग्रेड के हिसाब से करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट। व्हाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ, व्हाइट सीमेंट में सबसे कम मात्रा में कौन सी चीज दिया जाता है। फ्रेंड्स बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी आयरन ऑक्साइड इज द राइट आंसर। एंड फ्रेंड व्हाइट सीमेंट हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं ना, व्हाइट सीमेंट हम लोग यूज करते हैं प्रेस्टिजियस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड फॉर डेकोरेटिव वर्क। आप लोग ये फोटो में देख सकते हैं, व्हाइट सीमेंट की पूरा काम है, एकदम सफेद है। सो ऑप्शन नंबर सी आयरन ऑक्साइड इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड सॉफ्ट वुड, फ्रेंड्स मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ हार्ड वुड एंड एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट वुड के। आप यहाँ से देख सकते हैं सॉफ्ट वुड में जो चीर है, CHIR या चीर, ऑप्शन नंबर बी ये सॉफ्ट वुड है, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एंड हार्ड वुड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शीशम एंड टीक, ओक। ठीक है ये कुछ ट्रीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पूछा जाता है क्वेश्चन में। सो फ्रेंड एक चीज जान रखिए कि हम लोग जो कंस्ट्रक्शन वर्क में जो टाइप के वुड यूज करते हैं ना, ये सभी सॉफ्ट वुड है। ठीक है सॉफ्ट वुड मतलब ये नहीं कि बहुत सॉफ्ट है, ठीक है ऑफ जो सॉफ्ट वुड है, सॉफ्ट वुड में से ही हम लोग मैक्सिमम काम करते हैं, जैसे कि विंडोज, डोर्स एंड वेरियस टाइप ऑफ फर्नीचर्स, ओके फायरवुड, पेपर भी सॉफ्ट वुड से ही बनाया जाता है एंड वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स। ओके सो ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास, ऑप्शन नंबर ए हार्डनेस, बी इज डक्टिलिटी एंड ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंसी एंड डी इज ब्रिटलनेस। फ्रेंड बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ग्लास में डक्टिलिटी थोड़ा भी नहीं है। एक्चुअली डक्टिलिटी क्या होता है ना, दिस इज ए प्रॉपर्टी, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है जो कि टेस्टिंग करते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाइड करके। ठीक है एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, डक्टिलिटी एंड मैलियबिलिटी में कन्फ्यूज मत होना। ठीक है सो एंड ट्रांसपेरेंसी तो होता ही है, ब्रिटलनेस भी है, इसका हार्डनेस भी है, ग्लास की हार्डनेस है 5.5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एंड ऑप्शन नंबर बी जो है डक्टिलिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द कर्व यूज्ड फॉर आइडियल ट्रांजिशन कर्व इज. सो फ्रेंड्स पहले जान लेते हैं ट्रांजिशन कर्व एक्चुअली क्या होता है. देखिए कोई मान लो एक सर्कुलर कर्व है एंड वन स्ट्रेट लाइन है जिसे हम लोग जोड़ रहे हैं वो सर्कुलर कर्व के साथ. तो इसीलिए जो और एक कर्व की जरूरत है उसे हम लोग ट्रांजिशन कर्व कहेंगे. देखिए ट्रांजिशन कर्व एक्चुअली क्यों प्रोवाइड किया जाता है. देखिए अगर कोई व्हीकल एक सर्कुलर कर्व में से टर्निंग ले रहा है तो क्या होगा, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा जो कि वो व्हीकल को बाहर की तरफ खींचेगा एंड एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है. फॉर दिस रीजन हम लोग क्या करते हैं ना, बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं. एंड ये जो सुपर एलिवेशन है इसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए एंड फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. एंड ट्रांजिशन कर्व की क्या होता है ना, जो लेंथ होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. ओके. एंड ये सभी फीचर्स देखा जाता है स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व में जिसे हम लोग क्लॉथॉइड भी कहते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी जो है कैथोलिक स्पाइरल इज द राइट आंसर. ए स्ट्रेचर वॉन्ड यूजली यूज्ड फॉर. देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, स्ट्रेचर वॉन्ड से है. ऑप्शन नंबर ए जो है हाफ ब्रिक वर्क इज राइट आंसर. आप लोग फोटो से भी देख सकते हैं कि स्ट्रेचर बॉन्ड क्या है. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट. ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रॉट टिम्बर. देखिए टिम्बर डिफेक्ट से क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस टू पावर जो कि इसका आंसर है. एक्चुअली ड्राई रॉट क्यों होता है, ड्राई रॉट होता है ड्यू टू द फंगस एक्चुअली. ठीक है. ड्राई रॉट में क्या करता है ना, ये फंगी जो है ये वुड को कन्वर्ट कर देता है, इसमें पाउडर बना देता है, कुछ व्हाइट पाउडर ऐसा कुछ होता है. ये फोटो से आप लोग देख सकते हैं व्हाइट पाउडर हो जाता है. एक्चुअली ड्राई रॉट कहाँ पर होता है, ड्राई रॉट होने का सबसे फेवरेबल जो कंडीशन है जहाँ पर एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड डैम्प रहता है जो सब प्लेस, एंड मैक्सिमम ये बाथरूम में ही होता है ड्राई रॉट. ठीक है. सो एक्चुअली जहाँ पर फ्री सर्कुलेशन नहीं होता है एयर की वहाँ पर ड्राई रॉट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है. एंड ऑप्शन नंबर डी इज राइट. ऑयलर्स फार्मूला फॉर लॉन्ग कॉलम गिव्स. देखिए आसान सा क्वेश्चन है, ऑयलर्स फार्मूला से हम लोग क्रिटिकल लोड जो होता है, ठीक है, पाई स्क्वायर ई आई वाई एल एफेक्टिव स्क्वायर क्रिटिकल लोड जो होता है हम लोग कैलकुलेट करते हैं. एंड ऑयलर्स फॉर्मूला से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं. इस बार WBPSC में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें पूछा था कि ऑयलर्स फॉर्मूला इज फॉर विच टाइप ऑफ कॉलम. उस ऑप्शन था लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है, मीडियम टाइप ऑफ कॉलम. सो ऑब्वियसली आंसर इज द लॉन्ग कॉलम. एंड ये स्लाइड में मैं बहुत कुछ प्रोवाइड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, जैसे कि इंपॉर्टेंट जो की है यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ ऑफ द डिफरेंट एंड कंडीशन, ठीक है, एंड मोड ऑफ फेलियर ऑफ टाइप ऑफ कॉलम्स. सो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं. ओके. सो इधर जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रिटिकल लोड इज राइट आंसर. टिम्बर कैन बी मेड मोर फायर रेजिस्टेंट बाय. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC, PSC, PSU, रेल वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है. ऑप्शन बी सर एवल प्रोसेस, आप सभी को मालूम भी होगा इसका आंसर. देखिए सर एवल प्रोसेस एक्चुअली है क्या, इन दिस प्रोसेस टिम्बर सरफेस इज क्लीन्ड एंड इट इज कोटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट. ए क्रीम लाइक पेस्ट ऑफ स्लेक फैट लाइम इज देन अप्लाइड एंड फाइनली ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिलिकेट ऑफ सोडा इज अप्लाइड ऑन द टिम्बर सरफेस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सर एवल प्रोसेस एंड बाय दिस प्रोसेस वी मेड द टिम्बर मोर फायर रेजिस्टेंट. If for certain portion of beam bending moment is constant, the shear force in that section is. Basic सा question है,
पहले तो ये डायग्राम में देखिए, दो कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा हुआ है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी प्रोवाइड कर चुका हूँ। बेंडिंग मोमेंट को देखिए कॉन्स्टेंट है जहाँ पर शेयर फोर्स इज जीरो, सो ऑप्शन नंबर सी इज जीरो। कुछ चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि जहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम चेंजेज इट साइन, वहाँ पर क्या होता है ना, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। एंड इफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट चेंजेज इट साइन इन दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑल्सो, ठीक है। सो इन दिस केस ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है, जहाँ पर शेयर फोर्स इज जीरो है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इज कॉन्स्टेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट।